राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। मित्रों, ये जो गाया है ना, ऐसे ही नहीं गाया है, यही सच्चाई है। जब 1986 में धर्मपत्नी को देखने के लिए गया था, तो उस वक्त उनका चेहरा नहीं देखा था। पड़ोसियों, पूरे पड़ोसी पूरे भर गए थे अंदर बाहर। बाबा सादगी जैसा बेशरम आदमी भी जो है सर उठा नहीं सका। तो धर्मपत्नी को फोर्स किया गया कि जाओ, जाके बगल में बैठो। मना कर दिया। उसके बाद चाय देने पे, वो फिल्म में दिखाते ना सीन, चाय देने के लिए आ रही है सज धज के, वो झूठा लगा। चाय भी किसी और ने दी। हाँ, जब चाय पी ली और प्याले खत्म, बाकी प्याला उठाने की बारी आई, तब उस वक्त गर्दन नीची करके धर्मपत्नी जो है चाय की खाली प्याली उठाने के लिए आई, और बाबा सादगी ने सिर्फ वही एक चीज़ नोटिस की थी कि चाय की प्याली किस तरीके से उठाई जा रही है, साउंडलेस। और बाबा सादगी ने वहीं पे ही सिलेक्ट कर लिया। क्यों, क्या सोच थी बाबा सादगी उस वक्त में? यही कि जिस लड़की ने इस खाली प्याले को बगैर आवाज के उठा लिया है, तो बाबा सादगी तेरी जिंदगी में भी जो है ना, इस प्रकार की आवाज नहीं होगी जो तू नहीं चाहता है। तो उसी बात पे जो है बाबा सादगी ने जो है शादी के लिए हाँ कह दिया। और यकीन जानिए, जिंदगी में कभी भी हाँ नाराज होती हैं, रूठती हैं, कई बार गुस्सा भी होती हैं, लेकिन वो जो होता है ना क्लेश, वो घर में नहीं होता है। तो इसलिए कहा है, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो खूबसूरती जो है ना, अंदर की होनी चाहिए, बाहर की तो बाबा सादगी मांगता ही नहीं है। राधे राधे। और धर्मपत्नी ने जी ने जो है सब्जी बना दी है, रोटी बाद में बनाएंगे गर्मा गर्म, अभी छिल रहे हैं दोनों मिलके मटर कल के लिए, क्योंकि बहुत व्यस्त टाइम है इसके बाद में। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। 1:35, भोजन तैयार हो गया है और अभी हो रहा है इसके बाद राधे राधे। जय जय माँ भगवती, आपकी सदा ही जय हो। माता भगवती के दरबार से चरणों में गांव की सभी आदरणीय सम्मानीय महिलाएं एकत्रित हो रही हैं, और अभी वर्तमान में सबसे वरिष्ठ नागरिक हैं गांव की हमारी अम्मा जी, गांव के लौह स्तंभ हैं हमारे वरिष्ठ दादियां चाची। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ नागरिकों ने दिया अपने से आगे नई पीढ़ी को, नई पीढ़ी का काम है उसको आगे ले जाना, आगे बढ़ाना। तो ये हैं हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के स्तंभ। मित्रों, जब तक ये लौह स्तंभ है तब तक तो सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा, और उसके पश्चात क्या होगा, कौन संभालेगा इस संस्कृति को। बोलोगे
रंगीली बिंदी घाघर काय ओ धोती लाल किन्नर वाय आय हाय हाय रे बिजाता ओ बजी तेर मिजा जा। आदरणीय भाभी है, सिर्फ गाना मजा कर रहा हूँ। रंगीली बिंदी घाघर काय ओ धोती लाल किन्नर वाय आय हाय हाय रे मिजाता ओ बजी तेर मिजाता। सभी लोग स्तंभ है, अम्मा जी हैं, चाची जी हैं, आदरणीय भाभी जी हैं, चाची जी हैं, और ये तो मुसीबत है। ओहो आहा, आदरणीय चाची जी हैं, चाची जी हैं, मित्रों हमारे गांव की होली भी वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि हमारे ग्रामवासी ग्रहवासी जो हैं हमारे ग्राम के यूके यूएस फिलीपींस साउथ अफ्रीका ना जाने कहां कहां रहते हैं, तो हमारे गांव की भी जो है ये होली वर्ल्ड फेमस है। और बाबा सादगी भी अपने गांव में फेमस हो गया है एज ए यूट्यूबर बाबा सादगी के नाम से। स्टेप्स सीख लीजिए, उत्तराखंडी स्टेप्स। बहुत इजी है। लौंग सुपारी की भेड़ लाए हैं। इस गीत में माता से प्रार्थना की गई है कि माँ भवानी धर्म के किवाड़ खोल दो। हमारे बड़े भाई साहब श्री प्रहलाद सिंह मंडाल, अब इनके यहाँ पे होली आने वाली है। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय हिंद।